असाइनमेंट में एक बार क्या बचा था? सेवन पूरा हो गया था क्या? सेवन तो आई थिंक हो गया है ना, एट भी हो गया है ना या नहीं? एट में कुछ बचा है? यस सर, एट न्यू है सर अभी। कहाँ तक हो गया? एट, एट में काफी कुछ हो गया होगा। वेवगाइड बचा है सर। बस वेवगाइड बचा है ना, वो तो मैंने पढ़ाया ही नहीं टॉपिक अभी। यस सर। कुछ हटा के, उसको हटा के, उसको हटा के हो गया हो गया। कुछ एक क्वेश्चन ये बचे थे, एक तो पेज 94 पे ये है, अगर मैं देख पा रहा हूँ ठीक से। इससे पहले तो कुछ नहीं है ना, बाकी तो एक बाइट लग रहा है। क्वेश्चन हो गया क्या? पेज 94 से यस सर। 69 तो हो गया, हो गया, हो गया, हो गया। 70 बचा है, 71 बचा है, दोनों मैंने ले लिए यहाँ पे। ये पेज 94, 70 क्वेश्चन। ये इंटरफेरेंस एंड थिन फिल्म्स पर बेस्ड है, इंटरफेरेंस इन थिन फिल्म्स पर बेस्ड ये क्वेश्चन है। इसमें क्या कहा गया है? अ थिन फिल्म ऑफ वाटर, थिन फिल्म ऑफ वाटर फ्लोट्स ऑन सरफेस ऑफ बीकर ऑफ सिलिकॉन। तो कैसे कैसे फिल्म है वो देख लेते हैं। का ये मान लिया वाटर की फिल्म है, वाटर है ये, वाटर है, किसके ऊपर है? सिलिकॉन ऑयल, यानी कि ये जो नीचे इसके लेयर है वो कौन सी है? सिलिकॉन ऑयल। ओके, ये तो है वाटर की लेयर। ओके, एंड नीचे लगा हुआ सिलिकॉन ऑयल, ऐसा ही है सिलिकॉन ऑयल। ठीक, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है 1.333 और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है? NS सिलिकॉन इज 1.40। ओके, ऐसे हो रहा है। ओके, तो यहां से इस अरेंजमेंट से कह रहे हैं लाइट इल्यूमिनेटेड 600 नैनोमीटर लाइन इसमें नॉर्मली फ्रॉम द टॉप। ओके, यहां क्या रहा होगा? एयर रहा होगा। ओके, तो कह रहे लार्ज रीजन ऑफ फिल्म अपीयर ब्राइट रेड, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल थिकनेस? मान लेते इसकी थिकनेस कितनी है? टी, इसकी थिकनेस है टी। ओके, तो यहां पर क्या है, जब अपीयरेंस होगा रेड तो एक तो ऊपर वाले सरफेस से होगा और एक नीचे वाले सरफेस से। यहां से दो रिफ्लेक्शन होंगे, एक नीचे वाले सरफेस से जिसको हम क्या कहेंगे और एक ऊपर वाले से। तो एक रिफ्लेक्शन होगा कहां से? मैं 1-2 कह देता हूं इनको, आई कॉल देम 1-2। तो 1 कहां से रिफ्लेक्शन होगा? एयर वाटर से रिफ्लेक्शन फ्रॉम, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव 1। वेव 1 कहां से? फ्रॉम एयर वॉटर इंटरफेस है ना। एक रिफ्लेक्टेड कहां से होगी? एयर वॉटर इंटरफेस से। और दूसरी कहां से रिफ्लेक्ट होगी? रिफ्लेक्शन फ्रॉम, रिफ्लेक्शन ऑफ वेव 2 कहां से? 2 फ्रॉम
दूसरी वेव कौन सी? वाटर ऑयल इंटरफेस, ओके, वाटर ऑयल इंटरफेस। तो वेव वन अपर सरफेस से होगी, एयर वाटर जो वो होगा, और दूसरा कहां से होगा? वाटर से लिखो, ये आप देख सकते हैं, ओके। अब आप जानते हैं क्या, मैंने क्या बताया था, फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, फॉर रिफ्लेक्टेड वेव, ठीक है, टू बी ब्राइट, ये ब्राइट ही तो है, ब्राइट रेड, कौन सा इंटरफेरेंस? फॉर रिफ्लेक्टेड वेव टू बी ब्राइट, ओके, कौन सा इंटरफेरेंस? कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। उसके लिए कंडीशन क्या थी हमारी? मैं जनरलाइज फॉर्मूला लिख रहा हूं, टू म्यू टी, और क्या था, कॉस थीटा टी, टू म्यू टी कॉस थीटा टी, ओके, प्लस लैम्डा बाई टू, प्लस लैम्डा बाई टू इज इक्वल टू क्या था, एम लैम्डा, ब्राइट के लिए ना, यही था ना जो मैंने लिखवाया था आपको, यही था। अब इसमें एक लैम्डा बाई टू पार्ट डिफरेंस और जोड़ रहा हूं मैं, ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस, ये तो मैंने पहले ही लिखवाया आपको, टू कॉस, टू म्यूटी कॉस थीटा, ओके, टी इक्वल्स टू प्लस लैम्डा बाई टू इक्वल्स टू एम लैम्डा ब्राइट के लिए। ये क्यों आता था, ये वाला लैम्डा बाई टू क्यों आता था, ये वाला, क्योंकि वेव कहां से रिफ्लेक्ट हो रही है, डेंसर मीडियम से या रेयर मीडियम से? डेंसर, ओके। अब ये एक्स्ट्रा क्यों आया, ये एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस क्यों आया, दिस एक्स्ट्रा, जो हमारे फॉर्मूले में पहले नहीं था, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस इज ड्यू टू व्हाई, क्योंकि दोनों वेव क्या हो रही है, देखिए अगर ये सिर्फ वाटर होता और नीचे एयर होता तो फॉर्मूला क्या होता बताइए, अगर नीचे वाटर के नीचे एयर हो तो फॉर्मूला क्या बनता, वाटर ड्रॉपलेट के नीचे एयर होता तो ये आता या नहीं, ये टर्म नहीं आता, ओके, क्यों आया ये टर्म, क्योंकि दोनों वेव्स क्या हो रही हैं, दोनों वेव्स ही रेयर से डेंसर मीडियम में जा रही है, या दोनों वेव डेंसर से रेयर कैसे जा रही है, जो रिफ्लेक्शन हो रहा है वो कहां से मीडियम से हो रहा है, बोथ वेव्स का रिफ्लेक्शन कहां से हो रहा है, बोथ वेव्स, बोथ वेव्स रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, रिफ्लेक्टेड फ्रॉम डेंसर मीडियम, व्हाई, क्योंकि एयर के मुकाबले तो वाटर डेंसर है, और वाटर के मुकाबले कौन डेंसर है, देख लो जरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के थ्रू, भाई एयर, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एन होता है, वन, एन एयर इज वन, तो एयर के मुकाबले वाटर डेंसर है, और वाटर के मुकाबले सिलिकॉन ऑयल डेंसर है, इसलिए क्या हो रहा है, एक के लिए तो ये और दूसरे के लिए ये, ओके, एक्स्ट्रा पार्ट डिफरेंस, समझ गए, तो कितना, अच्छा फॉर नॉर्मल इंसिडेंस क्या होगा, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, फॉर नॉर्मल इंसिडेंस, नॉर्मल इंसिडेंस के लिए क्या होगा, थीटा टी का वैल्यू हम कितना लेंगे, सर वीडियो चला गया है, हाँ चला गया, तो मैं एक बार 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 कनेक्शन दूसरा ले लेता हूँ, वेट ए मिनट, अब प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, एक मिनट रुको।
तो नॉर्मल इंसिडेंस के लिए थीटा टी कितना लगेगा? फॉर नॉर्मल इंसिडेंस थीटा टी वुड बी जीरो, ठीक है। तो इससे हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, जनरलाइज फॉर्मूला यहां पर बन जाएगा टू म्यू टी कॉस वन हो गया, राइट साइड में क्या बनेगा एम माइनस वन लैम्डा। तो इस केस में एम क्या क्या वैल्यू ले सकता है, फोर, एम इक्वल टू वन से शुरू होगा भाई ये, इन सब के लिए क्या मिलेगा आपको ब्राइट फ्रिंज मिलेगी, क्लियर। अब आपको चाहिए क्या, यू रिक्वायर टी थिकनेस। तो सबसे जो क्या पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा है मैक्सिमम पूछ रहा है, मिनिमम पूछ रहा होगा आई थिंक, मिनिमम पॉसिबल थिकनेस। तो मिनिमम किसके लिए आएगा, मिनिमम वुड बी फोर, एम इक्वल्स टू टू ना, मिनिमम किसके लिए लगेगा, एम इक्वल्स टू टू के लिए मिनिमम लगेगा। आप स्लाइड डाल लीजिए, मिनिमम थिकनेस, फॉर मिनिमम थिकनेस क्या होगा, एम इक्वल टू टू, तो कितनी होगी मिनिमम थिकनेस, टू म्यू टी इक्वल टू लैम्डा, चेक करो टू म्यू टी इक्वल टू लैम्डा, ओके। तो थिकनेस कितनी होगी, थिकनेस टी लैम्डा डिवाइडेड बाय टू म्यू, म्यू का मतलब पता है क्या, यहां पर रिफ्रेक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर, लैम्डा मीन 600 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय टू म्यू, टू म्यू का मतलब है 1.333। ये आंसर किसमें, अभी नैनोमीटर में आंसर किसमें पूछ रहा है, नैनोमीटर में पूछ रहा है, तो टेल मी व्हाट इज द आंसर, 300 बाय 1.33। कितना आया, 225, एक मिनट, 225.56 नैनोमीटर। तो थिकनेस कितनी हुई, कितने डेसिमल प्लेस तक मांग रहा है, तो ऐसे ही लिख देंगे क्योंकि डेसिमल प्लेस मेंशन ही नहीं कर रखा उसने। नैनोमीटर में ये आंसर होगा। हाँ, क्या कह रहे थे आप बताओ सर, इसमें हम ये कह रहे थे सर वाटर का ही खाली क्यों लिया सर, सिलिकॉन से भी तो वेव रिफ्लेक्ट हो रही है। हाँ बिल्कुल, अपर फेस से यहाँ से कौन से कैसे उससे हो रही है, यहाँ पर जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ से, ये एक नंबर और ये दो नंबर, यस सर, हाँ इन दोनों का रिफ्लेक्शन ले गया, ओके ये है। तो सर हमने तो सर एक ही का लिया है सर, मतलब सिलिकॉन का तो हमने रिफ्रेक्टिव इंडेक्स लिया ही नहीं। तो फिल्म किसमें बन रही है, देख फिल्म किसमें बन रही है सर, फिल्म तो एयर में हम लोग देख रहे हैं, नहीं फिल्म जो अपीयर एयर में से तो देख रहे हो आप उसको, फिल्म बन कहां रही है सर, वाटर और सिलिकॉन के बीच में जो कहां कहां के रिफ्लेक्शन से बन रही है फिल्म, जो भाई सर एक सिलिकॉन से रिफ्लेक्ट कर रही है, तो सर वाटर पे उसका रिफ्लेक्शन आ रहा होगा सर, उसके बाद वो वाटर से एयर में आ रही है। तो यहाँ से देखोगे तो आप तो वाटर की तरफ देखोगे ना, यहाँ से देखोगे यस सर, यहाँ से आप देखोगे तो वाटर की तरफ देखोगे, तो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स का यूज होगा, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर वाला यूज होगा ना, जो फिल्म बन रही है वो तो आप ये वाली मानोगे ना, अपर सरफेस ऑफ वाटर एंड लोअर सरफेस ऑफ वाटर, अपर सरफेस ऑफ वाटर कौन सा इंटरफेस है, एयर वाटर, और लोअर सरफेस ऑफ वाटर कौन सा है, वाटर सिलिकॉन ऑयल, ओके है ना, ठीक है। तो रिफ्रेक्टिव इंडेक्स का यूज होगा वाटर का, 1.33, ठीक है, ये आएगा ओके। अच्छा अगर मान लिया नीचे एयर होती, वाटर सिलिकॉन ऑयल ना होता, तो क्या होता फॉर्मूला, मैं यहां लिख दू, यहां लिख दो, इफ सिलिकॉन ऑयल इज नॉट प्रेजेंट,
if silicon oil not present, तो क्या होगा बताइए? Not present होगा, तो same अगर होता, silicon oil present ना होता, तो क्या होता formula हमारा? एक ही lambda by 2 होता, दो lambda by 2 होते, एक ही lambda by 2 होता है, क्यों? क्योंकि एक wave कहाँ से reflect होती? एक wave reflect होती air water से, जो के denser है, और एक नीचे से reflect होती water air से, नीचे भी air होती ना फिर, ठीक है? तो बनता formula क्या? 2 mu t equals to, ठीक है? अब आप क्या कर लेते इसके? For minimum value m का वैल्यू 1 लेकर मिनिमम के लिए क्या होता, फॉर मिनिमम थिकनेस m का वैल्यू 1 लेते तो क्या आता है राइट साइड में लैम्डा बाय 2, तो थिकनेस कितनी होती तब? लैम्डा बाय 4 होती या लैम्डा बाय 2 होती? समझ रहे? ये समझ पाए? तो थिकनेस कितनी आती, आधी या दुगनी? मतलब दुगनी भी काम कर सकती थी, बट वो मिनिमम नहीं होती ना, दुगनी भी सेम काम करेगी, इसका डबल भी वही काम करेगा जो इसका आधा काम करेगा, बट चूंकि मिनिमम पूछता तो मिनिमम के लिए क्या लेते हैं हम, m2 या 1? यहाँ इस फॉर्मूले में फॉर मिनिमम वी टेक m1, फॉर मिनिमम m1, ओके, अंडरस्टूड? आगे, हाँ आगे हमारा क्वेश्चन ऑलरेडी पेस्टेड है, ये डिफ्रेक्शन का क्वेश्चन, सर बैक स्लैक थोड़ा, ये करो, द फॉलोइंग फिगर शो द इंटेंसिटी ऑफ द इंटरफेरेंस बिटवीन यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, टू स्लिट्स ऑफ इक्वल विड्थ इज ऑब्जर्व्ड एट अ डिस्टेंट पी, कह रहे इफ द सेपरेशन बिटवीन द स्लिट इज डबल्ड, स्लिट सेपरेशन क्या होती है? स्मॉल डी, जो कहां से कहां तक का डिस्टेंस होती है, स्लिट सेपरेशन होती है, या तो इसके मिडल से इसके मिडल तक का डिस्टेंस, एक के मिडल से दूसरे मिडल तक का डिस्टेंस, इसको बोलते हैं क्या? स्लिट सेपरेशन, ओके? स्लिट विड्थ किसको बोलते हैं? व्हाट वी कॉल स्लिट विड्थ, इसको क्या बोलते हैं? स्लिट विड्थ। जो ये स्लिट सेपरेशन होती है डी, ये किस किस का सम होती है? ए प्लस बी, बी क्या है यहां? जो ओपेक पार्ट होता है ना, ये बी होता है, ए प्लस बी, क्लियर? क्या कह रहे हैं? स्लिट विड्थ को डबल कर रहे हैं, एंड विड्थ ऑफ ईच स्लिट इज हाफ। अब ये बताओ, स्लिट सेपरेशन क्या डिसाइड करता है? स्लिट सेपरेशन डिसाइड, स्लिट सेपरेशन डिसाइड व्हाट? टेल मी, इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ या डिफ्रेक्शन फ्रिंज विड्थ? It decides interference fringe width. तो अब ये बताइए fringe width, तो fringe width आधी हो जाएगी या double? तो interference की जो fringe width होती है वो क्या होती है? d lambda by small d। तो fringe width घटेगी या बढ़ेगी?
डी को बढ़ाने पर डब्ल्यू क्या होगा, घटेगा या बढ़ेगा इंटरफेरेंस फ्रिंज विड्थ? घटेगा। ओके, तो इसका मतलब क्या है, इस एनवेलप में ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो ओके एक मिनट चैट को होस्ट ऑन भी कर दो, ओके तो यहां देख रहे हैं ये जो सेपरेशन है ना, ये और ये क्या है, इंटरफेरेंस फ्रिंज जैसे दोनों जिस पर मैंने रेड डॉट लगाए, तो ये घटेगी या बढ़ेगी, इट विल डिक्रीज। ठीक है, तो पहले ये वाला डायग्राम सही हो सकता है क्या, ये वाला सी नहीं, डी हो सकता है क्या, ये कम दिख रही है आपको या बढ़ी हुई दिख रही है, बढ़ी हुई दिख रही है ना, ठीक है, तो सी और डी नहीं है, ओके सी एंड डी नहीं है। अब एक बात और, इसके बढ़ाने से क्या होगा, सॉरी स्लिट विड्थ के बढ़ाने, स्लिट विड्थ के बढ़ाने से क्या होता है, मिनिमा का जो एंगल है, ओके इफ ए इंक्रीजेस, तो आप ये जानते हैं 2a साइन थीटा इक्वल्स टू m लैम्डा था शायद, सर a साइन थीटा था, a साइन, हाँ सॉरी 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 सॉरी, मुझे कभी कभी उसका ध्यान रहता है, a sin theta equals to m lambda था, m क्या क्या वैल्यू ले सकता था यहाँ पर, 1 सर वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, क्या कह रहे हैं, वॉइस क्लियर नहीं आ रहा है, वॉइस क्लियर नहीं है, अभी आया हम लोग के से, ओके तो ये किसका कंडीशन है, डिफ्रैक्शन मिनिमा या इंटरफेरेंस मिनिमा, डिफ्रैक्शन मिनिमा, मिनिमा ओके, डिफ्रैक्शन मिनिमा की कंडीशन है। तो अब देखें यहां पर जरा, ये मिनिमा पहला मिनिमा कहां मिल रहा है जाके, यहां जो पहला मिनिमा मिल रहा है, यहां मिल रहा है पहला मिनिमा, ये है ना डिफ्रैक्शन की, ये जो एनवेलप है, ये एनवेलप है डिफ्रैक्शन की जो ये वाली, इसका मिनिमा कहां मिल रहा है पहला, यहां ओके okay? तो ए बढ़ाने पर ये जो मिनिमा होगा, पहला मिनिमा, वो ज्यादा एंगल पर मिलेगा या कम एंगल पर, ए घटा रहे बढ़ा रहे देख लेना, आप कर रहे हैं सॉरी, ए को घटा रहे, ए को घटा रहे, ए घटाने से क्या होगा, जो थीटा एंगल है ये वाला मिनिमा का, वो बढ़ेगा या घटेगा बताइए, टेल मी, ये राइट साइड के डिनोमिनेटर में जाएगा तो थीटा विल इंक्रीज और डिक्रीज, आई थिंक इंक्रीज, टेल मी प्लीज, बोलिए सर, राइट साइड में जाएगा लैम्डा बाय ए, ठीक है, अगर मैं एम का वैल्यू पहले ऑर्डर का डिफ्रैक्शन चूज करता हूं तो इट वुड बी व्हाट, लैम्डा बाय ए, तो ए अगर घट रहा है क्योंकि क्या कह रहे हो, स्लिट विड्थ को हाफ कर दिया है, तो एंगल क्या होगा, बढ़ेगा या घटेगा बोलिए, थीटा विल इंक्रीज, अब बताइए कौन सा आंसर है, सब बी, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन सही होगा, ये नहीं होगा क्यों, क्योंकि देख रहे हो आप यहां पर, ये वही दिखा रहे हैं उतने एंगल पर, डिफ्रेक्शन की पीक भी तो शिफ्ट होगी नहीं, उसका एनवेलप जो है ब्रॉडर हो जाएगा अभी या उतना ही रहेगा, जो एनवेलप है इसका, जो एनवेलप ऐसा था इसका, तो जो डिफ्रेक्शन का एनवेलप है इट विल बिकम ब्रॉडर और इट विल रिमेन सेम, ब्रॉड हो जाएगा ना इसका एनवेलप, डिफ्रेक्शन का एनवेलप है इट विल बी ब्रॉडर, डिफ्रेक्शन एनवेलप, एनवेलप, एनवेलप ठीक है वुड बी ब्रॉडर, ब्रॉड हो जाएगी डिफ्रेक्शन की पीक, या ऐसे ही कह दो आप, इंटरफेरेंस की फ्रिंज क्या होगी, ठीक है नैरोड या ब्रॉड, इंटरफेरेंस की फ्रिंज है नैरो हो जाएंगी और डिफ्रेक्शन की फ्रिंज क्या होगी, ठीक है
ब्रॉड. क्लियर? ओके, ये आंसर बी सही है. ठीक है, और आप एग्जैक्टली पूरा आंसर पता लगाना चाहते हैं ना, वैसे तो इससे हो गया हमारा, तो आपको क्या करना होगा, व्हाट यू नीड टू डू, आप मुझे बता सकते मिसिंग कौन सी है, कौन सी मिसिंग है इंटरफेरेंस की, कौन सी पीक मिसिंग है, बोलो कौन सा ऑर्डर मिसिंग है. और चेक करें, जीरो दिख रहा है, जीरो दिख रहा है, वन दिख रहा है, टू दिख रहा है, थ्री दिख रहा है, कौन सा मिसिंग है, फोर्थ. क्लियर? तो पहले अगर डी और ये था तो मैं क्या लिख सकता हूं, व्हाट आई कैन राइट, मैं लिख सकता हूं ये, कैन आई राइट दिस, ए मतलब ए प्लस बी बाय ए इज इक्वल टू फोर, कैन आई राइट दिस, ये समझ में आया आपको कैसे लिख दिया मैंने, मिसिंग ऑर्डर, कौन सा ऑर्डर मिसिंग है, फोर्थ ऑर्डर मिसिंग, फोर्थ ऑर्डर इज मिसिंग, फिलहाल के लिए कौन सा ऑर्डर मिसिंग है, फोर्थ, ये समझ में आया सबको. नाउ ए प्लस बी इक्वल टू किसके बराबर है, फोर ए, इंप्लाइज दैट बी और ए का रिलेशन क्या है, ये समझ रहे हैं आप, ये रिलेशन है किसका, बी और ए का, कब, ठीक है, ये कब है, जो ये मैंने ये दिया ना, ये वाला डायग्राम, इस डायग्राम में क्या रिलेशन है, बी इज इक्वल टू थ्री ए है, यानी के जो ये जो ओपेक पार्ट है ना जिसमें से लाइट नहीं जा रही है, वो कितने गुना है इसका, स्लिट बिट का, जिसमें से लाइट निकल के जा रही है उसका कितने गुना है, तीन गुना है ना, और अगर उसको स्लिट बिट को डबल करेंगे आप, ठीक है, ये तो कब है, ये तो है इनिशियली, चेंज करने के बाद क्या होगा, इट इज इनिशियल, क्या होगा चेंज करने के बाद, क्या क्या चेंजेस आप देखेंगे, व्हाट चेंजेस यू विल सी, इसको कितने गुना कर रहे हैं, टू डी, और ए को कितना कर रहे हैं, हाफ ना, तो कौन सा ऑर्डर मिसिंग होगा, मैं निकाल देता हूं, ये एन होता था ना शायद इसमें, आई थिंक सो, एम आई राइट, एम बाई एन लिखते थे ना तब, ओके, तो टू डी का वैल्यू क्या है, डी को डबल कर रहे हैं ना हम, डी का वैल्यू तो ए प्लस बी है ना, इसको दुगना कर रहे हैं और इसको आधा कर रहे हैं, तो हम निकालना चाहते हैं कौन सा ऑर्डर मिसिंग होगा, मेरी बात समझ रहे हो, मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं निकालने जा रहा हूं कौन सा ऑर्डर मिसिंग है, मैं पूरा प्रिसाइज कैलकुलेट, क्वेश्चन तो हो चुका ऑलरेडी, ए का वैल्यू कितना है, ए, बी का वैल्यू कितना है, थ्री ए, डिवाइडेड बाय कितना है, टू, सॉरी ए डिवाइडेड बाय टू, तो एम बाय एन इंप्लाइज दैट क्या बना बताओ, ये बन गया ऊपर चार, कितना हो गया भाई बताना, एट, देखना ये हुआ था, देखना फोर एट और उसका भी टू है ना, तो बताना जरा कौन सा ऑर्डर मिसिंग होगा, 16, विच ऑर्डर मिसिंग, जब फाइनली क्या होगा, फाइनली ये कौन सी कंडीशन है, फाइनल, ठीक है, तो कौन सा ऑर्डर मिसिंग होगा, 16th ऑर्डर वुड बी मिसिंग, उसमें कौन सा मिस था, फोर्थ, इसमें कौन सा था, 16th ऑर्डर वुड बी मिसिंग, ओके, तो n का वैल्यू अगर उसमें पहला था ना, n उसमें अगर n का वैल्यू यहां पहला था तो उसमें उसका क्या मतलब होगा, उसका 16 होगा,
ओके ठीक है, काउंट कर सकते हो क्या एन का वैल्यू टू तक? अगर ये एन का वैल्यू है ना, ये एन का वैल्यू है ना, ओके तो कितना होगा अगर मैं एन का वैल्यू टू रखता हूं? मतलब आप काउंट करके देख लो यहां से, ठीक है, तो हाफ हो जाएगा ये, मतलब कितना आ, एक बार चेक करना है कितने मैंने किया तो था। इसके अंदर जो मिसिंग ऑर्डर आएगा वो कौन सा ऑर्डर आएगा? 16वां ऑर्डर होना चाहिए, चेक कर लो यार एक बार। सर आ रहा है, काउंट कर लिया। काउंट कर लिया तो 16वां ऑर्डर मिसिंग होगा। इसमें कौन सा ऑर्डर मिसिंग था? इसमें ऑर्डर मिसिंग था 1, 2, 3, 4, 5, 6 सातवां मिसिंग था इसमें। इसमें मिसिंग था 7th और इसमें मिसिंग है, इसमें 16th मिसिंग होना चाहिए। मतलब एग्जैक्टली करो तो, वरना तो वैसे ही हो जा रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके 16th मिसिंग होना चाहिए, ओके एग्जैक्टली करो तो, वरना तो कोई जरूरत नहीं आपको करने। ठीक, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, उसके आगे हमारी से उस असाइनमेंट में कुछ नहीं बचा है 8th में, ठीक है, बट ये क्वेश्चन आया था, कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेटिक करेस्पॉन्डिंग टू अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज गिवन बाय दिस। आपको बताना है डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन। अगर वैक्यूम की बात है, वैक्यूम, वैक्यूम में क्या होता है, किस किसका डायरेक्शन सेम होता है? डायरेक्शन ऑफ एक्स कौन है? एंड डायरेक्शन ऑफ के वेव प्रोपगेशन आर सेम और डिफरेंट? आर सेम। अब ये बताइए एक्स का डायरेक्शन कैसे मिलता है आपको? एक्स क्या होता है एग्जैक्टली बताइए। तो अगर मैं एक्स कैप निकालूंगा, कैप तो किसके बराबर होगा? ई कैप क्रॉस, कैन आई राइट दिस? ओके समझ पा रहे हैं आप मेरी बात? डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपगेशन सब निकाल सकते हैं आप, ई क्रॉस बी से निकाल सकते हैं, कब? जब आपको क्या क्या दिया हुआ हो, ई एंड बी दिया हुआ हो। तो ई क्या है यहां पर, कंपोनेंट वाइज लिखो, इसका मैग्नीट्यूड कितना है, इसका मैग्नीट्यूड कितना है? ई बाय रूट 3। क्या आएगा? आई कैप प्लस जे कैप माइनस का के कैप। मैंने कैसे लिख लिया है? ये पेज नंबर नहीं है भाई, ये टीएफआर 2020 का क्वेश्चन है, इसमें नहीं है वो असाइनमेंट। बी, बी का वैल्यू क्या बताओ? बी बाय रूट 2 आई कैप माइनस जे कैप, इसमें के कंपोनेंट है ही नहीं, ये समझ पाए? इलेक्ट्रिकली लिख लिया मैंने। अब पॉइंटिंग वेक्टर का डायरेक्शन या वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन करके बताना जरा कितना आया, टेल मी व्हिच आंसर इज करेक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट लेना आपको, इंप्लाइज दैट एफ कैप इज ई कैप क्रॉस बी कैप। बताइए जरा, तो बाहर क्या आ गया? कैप, मैग्नीट्यूड नहीं लेना उनका, कैप में क्या होगा? 1/√6 बाहर रहेगा, 1/√6 वुड बी आउटसाइड। आगे बताओ, आई क्रॉस आई 0, आई क्रॉस आई 0 हो गया, चलो ठीक है। आई क्रॉस माइनस जे बना माइनस का के, ओके आई का काम खत्म। जे का काम बताओ, जे क्रॉस आई माइनस का के हो गया, J क्रॉस J 0 हो गया, काम खत्म इसका भी। आगे चलो,
के का करते हैं, के क्रॉस आई, के क्रॉस आई वुड बी माइनस जे, है ना, माइनस साइन है क्योंकि यहाँ पे ना, और माइनस माइनस प्लस, के क्रॉस जे, के क्रॉस जे क्या होगा भाई, के क्रॉस जे वुड बी माइनस आई, देखना ये ठीक है क्या, तो ये बन रहा है यहाँ पर कितना, वन बाय रूट सिक्स, ओके, सब में माइनस है, आई माइनस जे माइनस टू क्या, ये आंसर है भाई क्वेश्चन नंबर थ्री, विच आंसर इज करेक्ट, टेल मी, बी सर, ऑप्शन बी इज करेक्ट, तो वेव के प्रोपगेशन का डायरेक्शन ये है या पॉइंटिंग का डायरेक्शन ये है, ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट करे हुआ एक प्लेन पोलराइज्ड वेव है, इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट ऑन द अपरेटस एज दिस, ये क्या है अपरेटस जो है, पहले देखो ये क्या है, यहां से डाल रहे हैं वेव को, ऐसे डाल रहे हैं, पहला अपरेटस क्या है, अपरेटस इंसिडेंट फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, पोलराइजर, एक पोलराइजर लगा हुआ है, ये पोलराइजर नंबर वन है, कितनी पाथ एक्सिस है, कैसी वेव डाल रहे हैं, देखो इस पर ऐसी प्लेन पोलराइज लाइट डाल रहे हैं ना, यू ऐसी प्लेन पोलराइज लाइट डाल रहे हैं, ठीक है, फॉलोड बाय क्वार्टर वेव प्लेट, ये क्या है यहां पर सेकंड पार्ट, लैम्डा बाय फोर प्लेट, सेकंड पार्ट इज और थर्ड पार्ट क्या है, आई थिंक फिर से पोलराइजर, यस पोलराइजर, इंसिडेंट लाइट की इंटेंसिटी आई नॉट है यहां पर, इसकी इंटेंसिटी कितनी है, आई नॉट, ओके, तो जब ये इस वाले पोलराइजर से पास करेगी आई वन, आफ्टर पोलराइजर वन इंटेंसिटी, आफ्टर ये भी, हाँ ये मैं बताना भूल गया आपको, ये क्वेश्चन कहाँ का है, ये क्वेश्चन भी TIFR 2020 का है, आफ्टर पोलराइजर वन, आफ्टर पोलराइजर वन इंटेंसिटी कितनी होगी, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय फोर, कितनी होगी, फाइव बाई फोर 45 होता है क्या, वन, ये हो गया, तो अब इस पर जब लाइट पहुंचेगी यहां, यहां तो कैसी पहुंचेगी, इसके पैरेलल वाली ना, ऐसे इसके पास इसके पैरेलल वाली यहां पहुंचेगी, जो इंसिडेंट से कितना एंगल बना रही होगी, ये वाली जो अब पहुंची है यहां पर, ये इंसिडेंट से कितना एंगल बना रही होगी, जो इंसिडेंट करी थी उधर से, ये वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाएगी जो आ रही है, ये वाई है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कितना एंगल बनाएगा यहाँ से, टेल मी, इट वुड मेक सेम एंगल पाई बाय फोर, क्लियर, बोलिए, अब वो लैम्डा बाय फोर प्लेट पर पाई बाय फोर पर आ रहा है, ओके, तो जिसको उन्होंने फास्ट एक्सिस लिखा है, ठीक है, उसको आप ऑप्टिक एक्सिस मान सकते हैं, तो ऑप्टिक एक्सिस से कितने एंगल पर आ रहा है वो, 45 डिग्री पर, ओके, ठीक है, 45 डिग्री पर आया, तो कैसी वेव निकलेगी यहां पर, यहां तो
यहाँ कैसी वेव आई थी पोलराइजर वन से पास होने के बाद? पोलराइजर वन से पास होने के बाद इसकी स्टेट क्या होगी? प्लेन पोलराइज्ड। प्लेन पोलराइज्ड, बट जब यहाँ पहुंचेगी तो कैसी वेव होगी यहाँ? सीपीएम। सीपी, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, इंटेंसिटी, ठीक है, आफ्टर क्रॉसिंग लैम्डा बाय फोर प्लेट कितनी होगी? स्टेट ऑफ पोलराइजेशन कितनी होगी उसकी? सर्कुलरली पोलराइज, बट इंटेंसिटी कितनी होगी? क्या लैम्डा बाय फोर प्लेट किसी वेव को रोकता है? नहीं रोकता, किसी को नहीं रोकता, दोनों को निकलने देता है। इक्वेशन नंबर टू, ठीक है, स्टेट कैसी होगी उसकी? आफ्टर लैम्डा बाय फोर प्लेट इट वुड बी सर्कुलरली पोलराइज, और आफ्टर दिस इट वुड बी प्लेन पोलराइज। ओके, किसी को नहीं रोकता, वो दोनों वेव आएंगे बाहर। ओके, आगे चलते हैं। फिर वो सर्कुलरली पोलराइज वेव किसी पोलराइजर पर पड़ रही है आकर, ठीक है, तो इंटेंसिटी आफ्टर पोलराइजर की, पोलराइजर टू, दो नंबर के पोलराइजर, तब वो उस इंटेंसिटी को हम कहेंगे आई थ्री। अच्छा, सर्कुलरली पोलराइज लाइट आपने किसी पोलराइजर पर डाली तो उसकी स्टेट कैसी हो जाएगी? प्लेन पोलराइज। तो यहां कैसी लाइट पहुंचेगी? सीपी। और कौन से वाले वाइब्रेशन बाहर निकलेंगे इसमें से बताओ, इसके परपेंडिकुलर वाले या इसके पैरेलल वाले? कौन से वाइब्रेशन पहुंचेंगे वहां? इसके पैरेलल वाले, इसके पैरेलल, इसके पैरेलल वाले। ओके, ये इलेक्ट्रिक व्हील होगा इसका पैरेलल। इंटेंसिटी कितनी होगी? किसी सर्कुलर लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट को आप किसी पोलराइजर से पास करते हो तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है भाई। जैसे अनपोलराइज की आधी हो जाती है ना किसी पोलराइजर से पास करने के बाद, वैसे सीपी की भी आधी हो जाती है। कितनी हुआ आंसर? आई नॉट बाय फोर। ओके, अगर कोई सर्कुलरली फुल्ली पोलराइज लाइट, सर्कुलरली पोलराइज लाइट या अनपोलराइज लाइट दोनों ही किसी पोलराइजर पर डाली जाए, पोलराइजर पर डाली जाए, तो क्या बन जाएंगी दोनों ही? क्या बन जाएंगी? पीपी बन जाएंगी। और अगर इन दोनों की इंटेंसिटी, दोनों की इंटेंसिटी क्या हो, पहले से आई नॉट हो रख हो पहले से, तो यहां जो पीपी पहुंचेगी उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी? आई नॉट बाई टू। ओके, तो आई नॉट बाई फोर आंसर होगा पहले, ये हो गया। तो ये हमारा असाइनमेंट एट, असाइनमेंट एट पूरा हो गया। ठीक, मैं देखता हूँ जरा सर। हाँ जी सर, जैसे अगर मान लो सर कोई और एंगल होता तो सर इलेप्टिकली निकलती, तो सर फिर कैसे मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते? फिर कैसे क्वेश्चन सॉल्व करते? फिर कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं थी, मैं बता देता हूँ। कुछ और एंगल होता तब हमें उसको तोड़ना पड़ता, किस किसके बीच में तोड़ना पड़ता। जैसे जैसे अभी क्या है, अभी जो ये आई नोट चला था यहाँ से, ठीक है, तो यहाँ से निकलने के बाद यहाँ से जो ये होगा, ये टू सॉरी वन, यहाँ से ये, उसकी इंटेंसिटी कितनी है? आई नोट बाई टू। उसका इलेक्ट्रिक व्हील कितना होता अगर ई वन लिखते हम? ये तो ई आई है, ये सर ई नोट बाई रूट टू हो जाता है। हाँ, तो होता ई नोट बाई रूट टू, ठीक है, दोनों से क्या होगा, एक आई कंपोनेंट बनता, आई कैप कोस केजेड माइनस ओमेगा टी एंड ई नोट बाई रूट टू जे कैप कोस केजेड माइनस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आ जाता उसकी वजह से। बिल्कुल सही बात है, जे कैप, ठीक है,
cos kz माइनस ओमेगा टी, अभी नहीं आएगा, अभी तो पोलराइजेशन तो नहीं किया है ना। हाँ सर, उसके बाद की बात, फास्ट एक्सिस से पास होने के बाद, मतलब ठीक है ना। तो मतलब जितना भी एंगल बनाता, मान लिया एंगल 30 बनाता x से, ठीक है, तो उस हिसाब से आप वेव को निकाल देते, ठीक। yes, फिर जब यहाँ पर आप निकालते, यहाँ पर, यहाँ आकर, यहाँ, यस सर, तब भी आप कंपोनेंट में तोड़ते उसको, ओके। तो इलिप्टिकली पोलराइज लाइट अगर होती तो हो सकता है उसकी सेम ही मेजर एक्सिस पास हो जाती इससे। अगर सेम ही मेजर होती तो इंटेंसिटी ज्यादा वाली वेव की पास होती है कम वाली वेव की, बस समझ रहे हो, ज्यादा वाली वेव, ओके। और अगर ऐसा होता कि सेमी माइनर के पैरेलल होती है वाली, तो कम वाली इंटेंसिटी पास होती। बट सर्कुलर में क्या होता है, चारों तरफ की इंटेंसिटी सेम रहती है, इसलिए क्या होता है, सीधे आधी हो जाती है, ओके। तो अगर यहां पर इलिप्टिकल बनती यहां, तब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता, तो आपको एंगल देखकर करना पड़ता, समझ रहे हो आप सर। तो फिर इसको, मतलब इसको फिर से दो कंपोनेंट में ब्रेक कर लेना है ना सर, फिर अगर होगा तो। देखो ये तो दो कंपोनेंट चल रहे हैं ना अभी भी। हाँ सर, फिर से मान लो अब दोबारा, अब जब वो थर्ड वाले से पास होगा P2 से, P2 पोलराइजर से, फिर दोबारा कंपोनेंट में ब्रेक कर ले उसे। हाँ ये देखो, ये तो अभी तो पहले पोलराइजर से हुआ है, लैम्डा बाय 4 से जाने के बाद क्या होगा, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस आ जाएगा, पाई बाय 2 का फेज डिफरेंस किसी भी वेव में आप डाल दोगे, यस सर। तो फिर जब उससे पास होगा वहां से, तो दोनों कंपोनेंट को आपको लेना पड़ेगा, ठीक है ना। मतलब okay. इसका किस डायरेक्शन में, इस वाले का भी किस डायरेक्शन में, पाई बाई 3 डायरेक्शन में, जो ये है यहाँ से, हाँ सर, और इसका भी पाई बाई 3 में, और बाकी okay. दोनों वेव की इंटेंसिटी बाद में जोड़ देना। कैसे जोड़ते हैं, इसका स्क्वायर, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, इसके एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, तो वो उसकी आई नोट के टर्म से वापस बदल देते हो, ओके सर। बट कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सर्कुलर है ना, तो सीधे आधा कर दो, क्यों, क्योंकि सभी डायरेक्शंस में सेम होता है एम्पलीट्यूड सर्कुलर के केस में, ठीक है। तो ये हो गया, तो असाइनमेंट नंबर 8 इज कंप्लीट। ये मैं डिस्क्रिप्टिव करवा दूंगा एक बार, वेव गाइड होगा तो। 9 में बताओ जरा क्या बचा है, 9 9 में 31 बचा है ना शायद, क्वेश्चन 31 बचा है शायद, अभी पेज है 100। दो तीन क्वेश्चन ही बचे हैं, ये पेज नंबर, एन इलेक्ट्रॉन इज डीएक्सेलरेटेड एट अ कांस्टेंट रेट स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वेलोसिटी यू, वेयर यू इज वेरी वेरी लेस देन सी, यानी कि ये नॉन रिलेटिविस्टिकली मूव कर रहा है, ठीक है, टू यू बाई टू, यानी कि इलेक्ट्रॉन की स्पीड यू से यू बाई टू हो जाती है, ठीक है। कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने पर, एस अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस टू रेडिएशन, आप जानते हैं पावर रेडिएटेड बाय पॉइंट चार्ज क्या होती है, पावर रेडिएटेड बाय पॉइंट चार्ज, बताइए फॉर्मूला ऑफ पावर रेडिएटेड बाय पॉइंट चार्ज। पावर रेडिएट का फॉर्मूला होता है म्यू जीरो चार्ज का स्क्वायर एक्सेलरेशन का स्क्वायर ओवर 6 pi c। कौन सा वाला फॉर्मूला है, लार्मर। क्यों मैं लार्मर लगा रहा हूँ फॉर्मूला, बताइए, यहाँ पर कंडीशन क्या है, देख रहे हो आप, पॉइंट चार्ज, पॉइंट चार्ज तो है ही, लार्मर कब लगता है, रिलेटिव नॉन रिलेटिव,
नॉन रिलेटिविस्टिक है इसलिए हम इसको लार्मर फॉर्मूले को अप्लाई कर रहे हैं. क्लियर? तो दिस इज पावर. पावर को जो है एनर्जी में बदलो. एनर्जी रेडिएटेड क्या होगी? एनर्जी को ई लिख देते हैं. क्या होता है पावर और एनर्जी का रिलेशन? पावर की यूनिट भी चेक कर लो चाहे आप, जूल पर सेकंड होती है ना. तो इसको राइट साइड में ले लो. तो कितना होगा अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस्ट टू रेडिएशन? एक्सेलरेशन का स्क्वायर ओवर 6π c इनटू टाइम प्लस सम कांस्टेंट. ओके ठीक है. तो ये कांस्टेंट तो जीरो होगा अगर क्या है के अगर टाइम जीरो पर वो कोई रेडिएशन नहीं दे रहा था, कोई एनर्जी नहीं निकाल रहा था, तो सी को भी जीरो ले सकते हैं. ओके तो आप इतना ही लिख सकते हैं. यू कैन राइट इट लाइक दिस. यह एनर्जी रेडिएटेड नंबर वन. इसको नहीं, नंबर्स को वन लिखते हैं, इसको टू लिखते हैं. ठीक है. बट यहां पर आंसर में कहीं नहीं दिख रहा ना आपको. आंसर में चाहिए एस यू चाहिए है ना. सब आंसर में एस और यू है. क्या करेंगे बताइए? एक्सेलरेशन पता नहीं है. ठीक है तो क्या कर सकते हैं हम? सर वो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू एस. आज क्या होते हैं? न्यूटन लॉस ऑफ मोशन. क्या है भाई पहला लॉ? क्या होता है? फाइनल स्पीड इक्वल्स टू यूनियन इनिशियल स्पीड प्लस ये होता है नहीं पहली इक्वेशन. तो इनिशियल स्पीड कितनी, सॉरी फाइनल स्पीड कितनी है? यू बाई टू. इनिशियल कितनी है? यू. एटी का वैल्यू कितना आया? ये डीएक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन हो रहा है. दूसरी इक्वेशन क्या है? एक और इक्वेशन क्या क्या दिया हुआ है इसमें? यू एस. कौन सी लगाओ, थर्ड या सेकंड? थर्ड लगा लो है ना. वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस क्या होता है? टू एस. ये थर्ड है सेकंड है? थर्ड है. तो यू बाई टू. यू बाई टू मतलब u by 2 का स्क्वायर. u स्क्वायर by 4 equals to u स्क्वायर 2a implies that a is in terms of s and u minus 3 u स्क्वायर by कितना? by 4s. am I right? check it please. ये होगा तो ए टी और ए को रिप्लेस कर दो. वहां ए स्क्वायर टी को आप क्या लिख सकते हो? ए टी एंड ए स्क्वायर टी. क्या हो गया? ए स्क्वायर टी हो गया यहाँ पर थ्री. सर एट होगा, एट एस. नीचे एट एस एट आएगा. तो ये बन गया कितना? थ्री यू क्यूब बाय 16 f. देखना जरा ए स्क्वायर टी का वैल्यू. पुट दिस वैल्यू. तो एनर्जी कितनी रेडिएट हुई उससे? एनर्जी रेडिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन. कितने टाइम में उसने एनर्जी रेडिएट करी? जब उसकी स्पीड घटकर यू से यू बाय टू हुई, उस डिस्टेंस एस ट्रेवल करने में उसने कितनी एनर्जी लॉस की? कितनी एनर्जी रेडिएट की, सॉरी कितनी एनर्जी रेडिएट की?
म्यू नॉट, तो 3 म्यू नॉट क्यू स्क्वायर, यू स्क्वायर ए स्क्वायर टी की जगह हम क्या रख देंगे, यू क्यू क्यूब है डिवाइडेड बाय 16 इंटू 6 96 पाई सी एस, ये आंसर है। कुछ छूटा तो नहीं उससे, 96 से कैंसिल भी कर सकते हो वैसे। ठीक है, इतनी एनर्जी लॉस की किसको, इसको आप कैंसिल भी कर सकते हो, 3 से कितना हुआ 32। इतनी एनर्जी रेडिएट कर दी इलेक्ट्रॉन ने जब उसकी स्पीड इतने से घटकर इतनी हुई, तो आंसर सर्च करो, कोई है ठीक है। आप देखिए ये कह रहे हैं इसको ना अमाउंट ना होकर क्या होना चाहिए था, यहां वर्ड ये गलत है वैसे, नहीं इसको होना चाहिए था फ्रैक्शन, इसको क्या होना चाहिए था अमाउंट वर्ड की जगह फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हमेशा क्या होता है, रेशियो। आप देख रहे हैं मास भी आ रहा है ना, एम एम एम, इसमें कहीं मास का जिक्र है, इसमें कहीं पूरा क्वेश्चन पढ़ो कहीं एम का बताया कुछ, एम क्या है, नहीं ना। तो ये क्वेश्चन पार्शियली करेक्ट है, लैंग्वेज सही नहीं है क्वेश्चन की। तो इसमें मास है तो एक काम और कर लो, इनिशियल एनर्जी कितने कितनी होगी उसके पास, इनिशियल एनर्जी, इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, ये तो रेडिएट हुई ना, ई रेडिएटेड, और मैं कह रहा हूं ई इनिशियल, बताओ जब वी स्क्वायर ये होगी ओके। तो कितना फ्रैक्शन लॉस किया उसने, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी लॉस, तो उसके पास उसने लॉस कितना किया, ई रेडिएटेड, तो पहले से कितना था, ई इनिशियल, तो इससे डिवाइड कर दो जरा, कितना आएगा, म्यू नॉट क्यू स्क्वायर यू स्क्वायर, यू स्क्वायर नहीं, यू डिवाइडेड बाय 16 पाई सी एस, दिस इज द आंसर, म्यू नॉट क्यू स्क्वायर यू ओवर 16 पाई सी। क्यू का मतलब है ई, म्यू नॉट ई स्क्वायर यू ओवर 16 पाई एम सी एस, एम भी आएगा ना, डी आंसर सही आएगा ओके। तो किससे किससे कंपेयर करना था उसको, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ, इनिशियल इनिशियल एनर्जी वाली, तो उसमें से कितनी रेडिएशन को लॉस हो गई, इतनी, तो हम लिखेंगे फ्रैक्शन, यूनिट लेस पैरामीटर है, इसका लिखा ना अमाउंट ऑफ एनर्जी, एनर्जी तो है ही नहीं है, ये इन्होंने दिए हुए ना एक्सप्रेशन, ये सब यूनिट लेस है, ऑल आर यूनिट लेस, एनर्जी बाय एनर्जी, दिस वाज एनर्जी रेडिएशन था ओके। और कौन सा बचा
100 है ये। तो इसमें दिया हुआ है एक ऑसिलेटिंग करंट दी हुई है ई पावर आई ओमेगा टी फ्लोज इन वाई फ्लोज इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस थ्रू अ थिन मेटल शीट ऑफ एरिया दिस कैप्ट इन एक्स वाई प्लेन टोटल एनर्जी रेडिएटेड पर यूनिट एरिया फ्रॉम द सरफेस ऑफ मेटल शीट। ठीक है, टोटल एनर्जी रेडिएटेड, ये एनर्जी नहीं पावर होनी चाहिए, इट शुड बी पावर, क्योंकि ये सब जो यूनिट नीचे आएंगी ये सब पावर की, पावर पर यूनिट एरिया की इंटेंसिटी। तो आप जानते हैं पावर रेडिएटेड क्या होती है, पावर रेडिएटेड बाय ए डाइपोल। पावर रेडिएटेड बाय ए डाइपोल क्या होती है, एवरेज पावर रेडिएटेड बाय ए डाइपोल इज म्यू नॉट पी डबल डॉट स्क्वायर एवरेज बाय 6 pi c, इट इज द एवरेज पावर रेडिएटेड बाय अ डाइपोल। ये P क्या है यहां पर, P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, P इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो क्या होगा, जो मेटल शीट दे रखी है यहां पर, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, एक्स वाई जेड, करंट किधर फ्लो कर रही है, वाई, करंट इज अलोंग वाई, ऐसे लिखा हुआ, ओके। तो इसका डायपोल मोमेंट निकालने की कोशिश करते हैं। तो जब जो चार्जेस हैं, ये ऑसिलेटिंग करंट है, तो जो चार्जेस हैं, पी क्या होगा, पी क्या होता है, क्यू इंटू डी, ओके, क्यू इंटू डी। सर इसको हम मैग्नेटिक डाइपोल से क्यों नहीं कर रहे, मतलब m into, मतलब डायरेक्ट हम i into a square कर देंगे तो कौन सा a square कौन सा लोगे, मतलब जो शीट का एरिया नहीं ले सकते सर इसमें, सर क्योंकि आपने आपने उसको भी फॉर्मूला बताया था ना, एवरेज वैल्यू ऑफ p इज म्यू नॉट, हां हां बिल्कुल बताया था, तो एरिया कौन सा वाला लगता है, देखो जरा, अगर मैं इसको लूप की तरह कंसिडर करता हूँ, ओके, आई करंट है, तो एरिया कौन सा लगता है उसको, सर लूप का एरिया, लूप का एरिया लगता है ये, ओके। अब ये करंट लूप में नहीं है, ये करंट एक लूप में नहीं है, आप समझ रहे हो, हाँ सर, वो लूप वाली करंट कैसी होती है, ऐसी घूमती है, ये स्ट्रेट करंट है, ऐसे 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 वाली करंट है, और इसका ऑसिलेटरी का मतलब समझते हो आप, ये ऑसिलेटरी करंट कब आएगी, जब चार्ज ऐसे 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 मोशन करेगा, या क्या होगा, घूमेगा यूं, टू एंड फ्रो मोशन, टू एंड फ्रो मोशन, ठीक है ना,
अगर ये मान लिया ऐसे लूप पर होती तो डेफिनेटली मैं मैग्नेटिक डायपोल का सहारा लेता, ओके okay? ऐसे पर होती तो, बट क्योंकि ऐसी नहीं है, इट इज नॉट लाइक दैट, ऐसा नहीं है, ओके सर, तो हम इसको इलेक्ट्रिक डायपोल से करेंगे, ओके okay? वैसे मैं बताऊं आपको आंसर कभी भी अलग नहीं आते, इलेक्ट्रिक से करो या मैग्नेटिक से करो, ओके okay? पी क्यू वाई ले लिया मैंने, ये क्या किसका काम कर रहा है, इट इज वर्किंग एज इलेक्ट्रिक डायपोल चार्ज के लिए। अब क्या करते हैं हम इसमें पी डॉट बनाते हैं, अब ये डॉट किस पर लगेगा जाकर, चार्ज के ऊपर लगाओ डॉट या वाई के ऊपर लगाओगे, चार्ज के ऊपर डॉट लगा दो, क्यों लगा रहा हूं मैं चार्ज के ऊपर डॉट, क्योंकि मुझे इसको क्या बनाना है, समझे आप, चार क्यू डॉट क्या होता है बताओ, आगे चलो एक स्टेप और आगे चलो, पी डबल डॉट क्या बन गया, क्यू डबल डॉट या क्या आई डॉट, करंट का डेरिवेटिव निकालो, करंट का डेरिवेटिव कितना होता है, माइनस आई नॉट आई, ओके आई नॉट आई, और क्या रहा साथ में बताओ, ई पावर माइनस नहीं ओमेगा भी आया है ना, आई ओमेगा बाहर आया होगा ना, ओके अब मुझे चाहिए एवरेज वैल्यू ऑफ पी डॉट स्क्वायर, वाई भी है इसमें, वाई भी, क्वेश्चन नंबर चार, मुझे चाहिए इसका डबल डॉट का एवरेज वैल्यू, तो क्या होगा आप मुझे बताओ, मैंने बताया था आपको ई पावर आयो ओमेगा टी वगैरह जो हो तब क्या होता है, व्हाट वी डू, वी टेक पी डबल डॉट स्क्वायर, एवरेज वैल्यू क्या होगा बताओ, एवरेज वैल्यू होगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर, नहीं बाय वाई स्क्वायर ऊपर आएगा, वाई स्क्वायर इंटू व्हाट, इंटू डिवाइड बाय टू, वाई टू इज कमिंग सर वो ई रेस्ट टू पावर माइनस टू में रहती है एवरेज वैल्यू, यस व्हाट आई हैव टोल्ड यू, मैंने कहा था जब भी ई पावर आई ओमेगा टी का स्क्वायर का एवरेज निकालना हो या साइन ओमेगा टी के स्क्वायर का एवरेज निकालना हो या कॉस ओमेगा टी के स्क्वायर का एवरेज निकालना हो, कितना लेते हैं वन बाई टू, इसको उस फॉर्मूले में पुट कर दो जाकर, तो पी एवरेज क्या आया, एवरेज पावर रेट सर आई का स्क्वायर करेंगे तो माइनस टर्म फिर से आ जाएगा हम लोग, ठीक है सर, माइनस आई नॉट आई ओमेगा है ना सर, स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस प्लस आई स्क्वायर तो फिर से माइनस दे देगा, आई स्क्वायर कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से करोगे ना तो माइनस आई से मल्टीप्लाई करोगे ना, ओके सर, भाई जब ये करते हैं ना आप कैसे करते हैं, हाउ डू वी डू दिस, जब इसका करना होता है ई पावर आयोटा का तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हैं, कहीं ई पावर आयोटा है तो किससे मल्टीप्लाई करते हैं, एक्सपोनेंशियल माइनस आई ओमेगा टी, हाँ, और हाफ वैल्यू लिखते हैं ना उसका, यस सर, ठीक है, हाँ, तो वैसे ही जब ये वाले का करोगे आप यहाँ पर भी क्या आएगा, माइनस आई से मल्टीप्लाई होगा ना कि आई से, ओके सर, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट से करना पड़ेगा, ओके ये तो ये आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा वैल्यू, एवरेज पावर रेडिएटेड वुड बी म्यू नॉट आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12 पाई सी, ये आ रहा है, ठीक है, ये आ गया पावर रेडिएटेड, ओके इक्वेशन नंबर 6,
ओके अब क्या होगा, पावर डिवाइडेड बाय एरिया कर दो, पावर डिवाइडेड बाय वाई स्क्वायर, y square will work like area, कितना होगा mu naught I naught square omega square over 12 pi c, mu naught epsilon naught, किसमें चाहिए आपको आंसर, आपको चाहिए आंसर किस पे, c cube में, तो करो c cube में, आपको आंसर एप्सिलॉन नॉट में चाहिए, एप्सिलॉन नॉट के लिए क्या करोगे आप, एप्सिलॉन नॉट से मल्टीप्लाई सी नॉट से डिवाइड, तो आएगा आई नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर हो 12 पाई पाई, ये है इक्वेशन नंबर 7, ये आंसर आएगा। ओके ये आंसर अप्रोक्सीमेट ही है, एग्जैक्ट नहीं है, पहले बता रहा हूँ, ठीक है। So which answer would be best? Which answer would be best? Power per unit area. I naught square, omega square, 12 pi epsilon naught c cube. So answer होगा B. So जो radiated power है, वो frequency किस value पर depend करेगा? Radiated power will depend upon what power of frequency? Square. क्योंकि कितनी बार डेरिवेटिव हुआ है इसका, करंट का, करंट का एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, P डबल डॉट बनाने के लिए करंट का एक ही बार डेरिवेटिव हुआ है, ओके ये बी आंसर सही होगा, बेस्ट होगा, ओके क्वेश्चन 34 हम कर चुके हैं, 35 ठीक है। मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कुछ पूछ रहे हैं कि एरिया कैसे हो गया, मैं पहले ही बोल चुका हूँ ये अप्रोक्सीमेट ही है, बिकॉज़ इट विल वर्क लाइक एरिया, वाई स्क्वायर है ना, लेंथ स्क्वायर विल वर्क लाइक एरिया, ओके ये है, यहाँ पर बताइए ई आर टी डी आर टी, ओके ये क्या है, कैसी स्पीड के साथ मूव कर रहा है, ई आर टी बी आर टी नो रिसेप्टिव फील्ड एट पॉइंट टी ड्यू टू मोशन ऑफ मासिव चार्ज पार्टिकल मूविंग अलोंग एक्सिस विल स्पीड वी। अब ये डिफाइन करने में बड़ा कंफ्यूजन करता है एग्जामिनर, एक्सेलरेटेड है नॉन एक्सेलरेटेड है, बताइए क्या मानकर चले हैं, एक्सेलरेटेड, आप बात समझिए देखो ध्यान से, आप नॉन एक्सीलरेटेड मान के चले, ठीक है, इस कांस्टेंट कांस्टेंट देखना भूल गया है इसमें, ओके मैं बता दोनों बातें बता देता हूँ, इफ चार्ज पार्टिकल इज मूविंग with velocity
moving with constant velocity. Constant velocity. तो कौन से फील्ड लिए जाएंगे, वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड या एक्सेलरेशन डिपेंडेंट फील्ड? वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड. ओके, तब क्या होता है, ठीक है, जो डी होता है, डी बी वी, वो होता है वी क्रॉस ई, वी वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड डिवाइडेड बाय टी स्क्वायर. समझ गए? ओके, यहां पर v क्या है, हियर हियर v इज लेस देन c. कॉन्स्टेंट वेलोसिटी जो होगी चार्ज पार्टिकल की वो किससे कम होगी, c से कम होगी. ओके okay? आगे एक पॉइंट और लिख रहा हूं मैं. If charged particle is accelerated, accelerated, तो क्या होगा, B acceleration, क्या होगा, E by B क्या होता है भाई, बताओ. C. C. So v acceleration would be what? ये होगा एक मिनट. R cap e acceleration by c. K cross e होता था ना, ये होगा. Okay, ये होगा. तो यहां पर रिलेशन क्या बनेगा, अगर मैग्नीट्यूड देखोगे ना इनका, एक्सेलरेशन वाला जो फील्ड होता है, या मैं ऐसे लिख देता हूं, एक्सेलरेशन वाला जो फील्ड होता है वो किसके बराबर होता है, बी एक्सेलरेशन. आप देख रहे हैं रेडिएशन जब निकलता है तो उसके ई और बी के बीच का रेशियो क्या होता है, E by D equals to C होता है. ओके, बट जो वेलोसिटी वाला होता है उसमें E by D equals to C नहीं होता. ओके, तो अब बताओ जरा क्या होगा रिलेशन अगर कांस्टेंट से मूव कराएंगे, बताओ भाई, E by D क्या होगा, लेस देन C या मोर देन C, यहां से निकाल लो ना. सर E is greater than CB, क्या होगा, E would be larger than CB, yes. E होना चाहिए, E would be larger than CB. Okay, यही बन रहा है, नहीं कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बताइए भाई कौन सा ऑप्शन बन रहा है, बी ऑप्शन, कौन सा बी ऑप्शन बनेगा ना सर, मोर डी ग्रेटर देन सी, बी ऑप्शन. और ये कब बनता बताओ, एक्सेलरेटेड होता. तो ये बड़ा क्वेश्चंस ना बड़े एम्बिगुअस डिफाइन करता है कभी कभी एग्जाम में, कभी कभी क्या मतलब यूजुअली एक दो क्वेश्चन होता ही ऐसा, हमेशा एम्बिग्यूटी रहती है. नथिंग इज आइडियल इन दिस वर्ल्ड, तो आप भी उसके साथ ऐसे ही कोप अप करके चलेंगे. ओके, ये है, ठीक है, ये हो गया. सर ये जो बीवी वेक्टर आया है ये के क्रॉस ई बाय ओमेगा वाले फॉर्मूले से आया हुआ है, ये वाला आएगा, ये वाला आएगा, पहले बताओ, ऊपर वाला आएगा, एक पर वाला नहीं लिखा था हमने,
कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ, कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ मूव नहीं कर रहा था एक चार्ज पार्टिकल? यस सर, वो जो रेडिएट नहीं कर रहा था, रेडिएट नहीं कर रहा था जिसमें हमने वो निकाला था, उस वाले से करना पड़ेगा। ओके सर। एक आया था वेलोसिटी डिपेंडेंट बी, एक आया था वेलोसिटी डिपेंडेंट ई, ऐसे करके आया था, ठीक है, तो उससे हो गए। तो क्या आंसर निकल के आ रहा है एक बार बताओ? बी आ रहा है ना पक्का? पता चला मैंने कुछ गलत कर दिया। ए आ रहा है ना बी, या ए आ रहा है? सर बी आ रहा है सर, वो फर्स्ट वाले फॉर्मूले से मॉड निकाल लेंगे तो वो सी स्क्वायर बाय वी बन जाएगा, ईवी बाय बी, तो वो ग्रेटर देन हो जाएगा। मैं कर दूं? यहां से कर लो ना, यहां से इस वाले, यहां से क्या होगा? अच्छा इस वाले का मतलब क्या है? इस वाले का मतलब ये है कि e by b क्या बन रहा है? इस वाले का मतलब क्या है? e by b क्या बन रहा है? लेस देन सी, मोर देन सी? मोर देन सी है ना, देखो इस वाले का मतलब क्या है? e by b मोर ए लेस देन सी। ओके, तो यहां से आप क्या करोगे? यहां से अगर आप मोड लिखोगे तो क्या होगा? e वेलोसिटी डिपेंडेंट, ये डिवाइडेड बाय वेलोसिटी डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड, क्या बनेगा बताइए? वेक्टर हटा दो इसका, e b y, क्या बन गया? c स्क्वायर बाय v। ओके, सो ये ग्रेटर देन c होगा या लेस देन c होगा? ये वाला c स्क्वायर बाय v, ग्रेटर देन c है ना, क्योंकि v क्या है? लेस देन c। No particle can move with the speed of light. या कर सकता है बताओ? तभी कोई charge particle कोई c speed से move कर सकता है क्या? No, it can never. Okay? तो क्या बना आंसर? B. हो गया भाई inequality relation solve? Someone was asking, okay? ठीक है, तो अभी हमारे पास आधा घंटा है क्या? यस सर, कितने तक क्लास है? सर हम एक रिलेशन पढ़ते थे सर वेव्स के लिए, VP into VG is equals to C square। सर ये जो है वही है सर, फेज वेलोसिटी होगी ना सर E by B? तो E by B तो सर फेज वेलोसिटी ही होगी ना सर वेव की, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी। वेव तो बनेगी नहीं, ये जो है ये रिलेशन में ये वाली, ये बनेगी। दिस इज नॉट अ वेव, दिस इज नॉट एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। वेव वाले इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन होते हैं? ये होते हैं, ये वाले बी ए जिनको मैंने एक्सेलरेशन वाला लिखा है वो है वेव के। तो समझ आ गया, दे आर नॉट ऑफ वेव्स। ओके सर, ठीक है। तो अभी 4:30 तक की मेरी क्लास, 5:05 तक है। 4:30 दो क्लास में या ढाई क्लास में फिनिश हो जाना चाहिए। वन टू इसको ही पहले फिनिश कर देते हैं, एक काम करते हैं कलर में इसको पूरा लगा कर। तो फाइव सेवन
एट नाइन टेन ओके सर लास्ट वाला प्रॉब्लम जो 35 का सर जो 35 वाला प्रॉब्लम है इसका जो ऑप्शन बी हुआ वो कैसे हुआ सर समझाएंगे थोड़ा नेट स्लो हो गया था मैंने कहा दो चीजें हो सकती हैं चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड है तो क्या होगा चार्ज पार्टिकल नॉन एक्सेलरेटेड है तो क्या होगा जी है ना चार्ज पार्टिकल अगर एक्सेलरेटेड नहीं है कांस्टेंट वेलोसिटी पर मूव कर रहा है तो कौन से फील्ड यूज में आएंगे वेलोसिटी डिपेंडेंट फील्ड और उनका रिलेशन क्या होता है आपस में डी वी इक्वल टू वी क्रॉस ई डिवाइड बाय सी स्क्वायर ओके तो आप इससे निकालेंगे अगर आप तो चार्ज पार्टिकल हमेशा इसकी स्पीड क्या होगी लेस देन सी या मोर देन सी लेस देन सी होगा तो इस वाले से अगर ये लिखते हैं ई बाई बी तो सी स्क्वायर बाई वी आएगा तो क्या होगा ग्रेटर देन सी या लेस देन सी मोर देन सी ओके और अगर वो एक्सेलरेटेड है तो हमेशा रिलेशन क्या बनेगा एक्सेलरेटेड है मतलब रेडिएशन बनेगा ईएम रेडिएशन तो वैक्यूम में चलेगा तो क्या होगा इक्वल टू सी भी होगा हमेशा ई बाई बी क्या होता है उसको की होता है हमेशा जी ये स्लाइड नंबर 6 वाज समवन आस्किंग फॉर ठीक है ठीक है फिर कल देखते हैं।